Is what exercise for speaking to express different emotions. This is the most interesting part. Maza wala hai. Abhi bas aap lena dekho. Pronounce the word in following sentences to convey a number of different emotion. Agar, you are just focusing on the structure of the sentence or focusing on the rules of grammar. Right? You are not focusing on these things while you are speaking any language with this that particular speaking.

देर आर गैमेट ऑफ इमोशंस लाइक द एंगर अफेक्शन प्राइड फियर एजिटेशन कॉन्फिडेंस रिस्पेक्ट वरी एक्साइटमेंट ज्वाय डाउट सरकाजम वंडर स्ट्रेस इनडिफरेंस डिस्पेयर डिफाइंस डिस्कस्ट और बहुत सारे हो सकते हैं अब आप जरा देखो इनको जरा पढ़ते हैं अलग अलग तरीके से स्ट्रेस देते हुए आई डोंट नो वाई ही सेट सो अब थोड़ा सा स्ट्रेस चेंज करके देखो आई डोंट नो वाई शी सेट सो यार मैं नहीं जानता हूं यार उसने ऐसा क्यों कहा मुझसे क्यों पूछ रहे हो आई डोंट नो सो हियर स्ट्रेस इज ऑन स्ट्रेस इज ऑन आई स्ट्रेस इज ऑन आई कि तुम मेरे ऊपर ठीक रहा मत फोड़ो मैं जिम्मेदार नहीं उसके लिए आई डोंट नो वाई शी सेट सो फिर आई डोंट नो वाई शी सेट सो आई डोंट नो वाई शी सेट सो अब आप देख रहे हो आई भी नीचे है Why she said so भी नीचे है डोट नो पे थोड़ा सा स्ट्रेस ज्यादा so. मैं नहीं जानता हूं मैं नहीं जानता हूं उसने ऐसा क्यों कहा मैं नहीं जानता हूं आई डोट नो वाई सी सेट सो यार उससे तो ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों कहा है यार उसको ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था आई डोंट नो आई डोंट नो वाई सी सेट सो सो इवन उसी सेंटेंस को जिस तरीके से आप बोल रहे हैं वो क्या दिखा रहा है वो दिखा रहा है दूसरे एक अलग अलग तरह के इमोशन आप देखो आपने ओके शब्द का इस्तेमाल किया होगा ना डेली नॉर्मल बोलते हो इसको ओके अभी उसी ओके को कितने तरीके से बोल सकते हो ओके 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 हैं ओके 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 मुझे तो याद आ रहा है वो वेट्स मनु में जो दीपक डोबरियाल का कैरेक्टर था वो जब जय माता दी चल रहे थे ऊपर जय माता दी याद आ रहा है आपको देखा है वो सीन जय माता दी सो द सेम जय माता दी इज स्पोकन इन अ डिफरेंट आया ना और वो अलग अलग बात वो इसी से आश्चर्य भी अच्छा लड़की ने मना कर दिया शादी के लिए गेटिंग माई पॉइंट और नॉट सो इट्स मैं फिर भाई हाथ जोड़ के कह रहा हूं मेरे भाइयों सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पे जिंदगी मत खत्म करो तुम स्पीकिंग तक पहुंच ही नहीं रहे हो स्कूल स्कूल ही खेल रहे हो तुम Tense खेल रहे हो तब से उसका रोल है थोड़ा आगे बढ़ो बड़े हो जाओ इन चीजों पर ध्यान देना है हमें। she didn't recognize me. अब देखो, इसको कैसे बोल सकते हो शी शी डिंट रेक रेकग्नाइज मी आर आई हेड सपोर्टेड हर इन हर हार्ड टाइम्स आज वो सफल हो गई है उसने मुझे नहीं पहचाना उससे तो ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी शी डिंट रेकग्नाइज मी गेटिंग माई बॉन्ड आर नॉट हस इज ऑन शी फिर शी डिंट रिक्नाइज मी अब यहां पे फोकस एक्शन के ऊपर है कि यार उसने लोगों के सामने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया शी डिंट रिकनाइज मी उसके बाद अब फोकस मी पे कर लो सब पे अलग अलग फोकस शी डिंट रिकोगगनाइज मी यार मुझे नहीं रिकग्नाइज किया आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं तुम लोगों को नहीं पहचाना बात समझ आती है उसने मुझे नहीं पहचाना यार गेटिंग माई पॉइंट आर नॉट सो दिस इज वॉट अब यहां पे देखो आर यू आर यू अवॉइडिंग मी अब तुम बोल रहे हो ना अपने फ्रेंड से किसी स्पेशल फ्रेंड से अच्छा बहुत दिन हो गया मतलब अब मैसेज वैसेज का जवाब नहीं देते कॉल तो उठाना तुमने कभी बंद कर दिया था ना सो आर यू अवॉइडिंग मी अब ये आर यू अवॉइडिंग मी कितने तरीकों से बोला जा सकता है और सभी में अलग अलग इमोशन है आर यू अवॉइडिंग मी मुझे अवॉइड कर रहे हो यार है मुझे फिर आर यू अवॉइडिंग मी अब आप पहुंचे कोई जान पहचान वाला था आपका आप दस मिनट से वहीं पे हैं वो गुजर भी रहा है आसपास पास से आप पर ध्यान नहीं दे रहा आप कह रहे मी तुम अवॉइड अवॉइड कर रहे हो और उसके बाद वही बात है कि अलग अलग आर यू अवॉइडिंग मी गेटिंग माई नॉट इमोशन आई फाउंड दोज बुक्स अब आप कहो आई फाउंड दोज बुक्स मिल गई है मुझे वो किताब जो तुम ढूंढ रहे थे मैंने पाया घर में कोई नहीं ढूंढ पाया आई फाउंड आई फाउंड अब stress is on what? Stress is on those books. अब आपका इशारा उस तरफ है मैं पे नहीं है कि मैं ही शिकारी हूं मुझे ही मिली वो किताब आई फाउंड दोज बुक्स सो नीड टू लर्न दीज थिंग्स तब जाकर के आपकी स्पीकिंग बेहतर होगी तुम अपने में थोड़ा कॉन्फिडेंस आओ उतना ग्रामर तुम्हें आता है भाई क्यों परेशान रहते ग्रामर ग्रामर सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं होता जब करते ही नहीं हो तो होगा कहां से यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश एंड मैं यहां पे पूरी मदद करूंगा आपको आने वाले दिनों में बहुत मजा आने वाला इस बैच में बहुत ही फन क्लासेस होने वाले रिलैक्स करके क्योंकि हमारी बात हो रही है हमारी जिंदगी कई दुख दर्द यहां पर डिस्कस होंगे आई वॉज एप्सोल्यूटली स्मिटन बाय हर इंटेलिजेंस दिस है जान बुझ करके सेंटेंस दिया है देर इज अ वर्ड फॉर ऑफ पीपल

ंग मतलब लेडी who's pretty intelligent and the way she kind of showcased her intelligence wo keh raha yaar i was having this much experience of 30 40 years i was absolutely smitten so yeah i was absolutely smitten by her intelligence and now the focus is on her intelligence ocal stress badlega मोनोटोन में नहीं बोलना जो मैंने पिछले सेशन में भी बात करी थी वही रट के पोयम रट के आयो तो जब बोलते तो पता लग रहा होता है कि रट के आयो और जब आप आ, समझ के बोलते हो तो लगता है कि हाँ समझ के बोल रहे हो तो बस वही फर्क वही चीजें यहाँ पे भी लेके आनी है शी सॉ मी कितना प्यारा सा सेंटेंस है मासूम सा है अब तुमने कहो खुश हो मतलब शी सॉ मी देख लिया आज उसने इतने दिनों से तैयारी चल रही थी हैं हफ्तों से कोशिशें थी एकदम तैयार होकर रोज पहुंचता था आज उसकी नजरे इनायत पड़ी है आज देखा उसने शी सॉ मी शी सॉ मी आज देखा अब उसमें शी सॉ मी अरे पता है भाई क्या हुआ उसने मुझे देखा शी मी। किसी और पर नजर नहीं गई और फिर शी मी यार, शी मी। अभी फोकस शी पे भी कम है अ, मी पे भी कम है सौ पे शी सौ मी काम तो बन गया मतलब इतनी दिनों से कोशिशें चल रही थी ध्यान आकर्षित करने की आज मैंने आज मैं उसका ध्यान आकर्षित करने में सफल